Hello friends, in this video lecture I will discuss about question related to biotechnology principle and process. इस chapter से related जितने भी topic हैं हम लोग discuss कर चुके हैं और उन lecture की link इस lecture के description box में दी हुई है, आप लोग इजिली यहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोग अपने concept को पहले पढ़िए, उसके बाद जो है question को करिए। screen पे question दिए जाएंगे, आप लोग पहले question को पढ़िएगा, फिर उसका answer करिएगा खुद से। जब answer नहीं आ रहा तब जो है मेरे answer को देखिएगा, ओके। जिससे कि क्या होगा कि जो आप concept पढ़ चुके हैं वो कितना clear है आपका, क्योंकि देखिए इस lecture में जो भी हम लोग बना रहे हैं उसमें पहले हम लोग concept को देखते हैं, उससे related जो भी previous year में question आए हैं उसको देखते हैं, या जो भी आने की उस concept से related question हो सकते हैं उसको हम लोग हर एक lecture के बाद question series डालते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। और दोस्तों अगर अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे, और अपने फ्रेंड ग्रुप में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है हु आइसोलेट द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पे पूछा है। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो वहाँ पे देखे थे कि जो सबसे पहले प्रपोज किया था, सजेस्ट किया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, वर्नर अर्बर थे, और जो इसको आइसोलेट किया था वो हैमिल्टन स्मिथ। तो यहाँ पे हैमिल्टन स्मिथ नहीं दिया, सिर्फ आपको स्मिथ दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आप लोगों को याद करना है कि जो सबसे पहले फर्स्ट आइसोलेट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये कौन किया था, हैमिल्टन स्मिथ एंड कोवर्कर। तो यहाँ पे कोवर्कर का नहीं नाम दिया गया है, बस आपको हैमिल्टन स्मिथ अगर दिया गया तो भी सही है। नेक्स्ट देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम लोग देख रहे थे। इंजीनियरिंग का मतलब कुछ चेंज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ओके। तो मैनिपुलेट अब किसका कर रहे हैं, जीन का करेंगे। तो अब देखिए इससे रिलेटेड क्या ऑप्शन है, तो हम पहले देखेंगे स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, तो ये नहीं होगा। मैनिपुलेशन ऑफ आरएनए नहीं, मैनिपुलेशन ऑफ एंजाइम ऐसा भी नहीं, मैनिपुलेशन ऑफ जीन ओके बाय आर्टिफिशियल मेथड। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है वो क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ जीन बाय आर्टिफिशियल मेथड। यहाँ पे आपको लगेगा आरएनए, तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग यहाँ पे जीन के बारे में देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग इसका मतलब क्या देखे थे कि मैनिपुलेशन ऑफ जीन बाई सम टूल्स, ओके, बाई यूजिंग सम टूल्स। अब टूल्स में हमारे पास क्या है, एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, बहुत सारे एंजाइम है, और उसके बाद फिर वेक्टर है, फिर होस्ट है, कैसे हम जो है मैनिपुलेट करके अपना डिजायर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, किसका किससे रिलेटेड है, मैनिपुलेशन ऑफ जीन। इतना याद रखना है, मैनिपुलेशन ऑफ जीन, और ये मैनिपुलेशन आर्टिफिशियल मेथड मतलब नेचुरल मेथड नहीं होगा, अपने से नहीं होगा, इसको हमको कराना पड़ेगा, मतलब मैनमेड है। तो यहाँ पे जो हम लोग टूल्स यूज करके इसको चेंज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड, नेचुरल मेथड नहीं। अगर यहाँ पे आ जाए मैनिपुलेशन ऑफ जीन बाय नेचुरल मेथड तो वो गलत होगा। अगर मान लीजिए यही ऑप्शन में हो जाता कि मैनिपुलेशन ऑफ जीन बाय नेचुरल मेथड, नहीं, तब वो गलत होगा। क्या होगा आपका आंसर, मैनिपुलेशन ऑफ जीन बाय आर्टिफिशियल मेथड। तो आंसर क्या होगा आपका, डी। नेक्स्ट देखते हैं टू माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, पाने होने को तो बहुत होते हैं माइक्रोब्स हमारे पास, कौन से ज़्यादा ज़्यादा यूजफुल हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के पर्पज से। अब यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्पज से हम लोग देखते हैं कौन कौन से होते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, विब्रियो कोलेरी नहीं, टेल्ड बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज तो होता है बट टेल्ड बैक्टीरियोफेज का ज़्यादा यूजफुल हम नहीं देखते। डिप्लोकॉकस स्पीसीज, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। क्राउन गॉल बैक्टीरियम, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो होता है कॉमन हम लोग यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट के लिए, अपने डिजायर प्रोडक्ट को जो क्या करने के लिए, बनाने के लिए, जीन की कॉपी बनाने के लिए इकोलाई का यूज किया जाता है। साथ ही साथ एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जिससे में हम लोग टीआई प्लाज्मिड देखते हैं, तो इसलिए ये जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, डी, इकोलाई एंड एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये क्या होते हैं, वेरी कॉमन है, बहुत यूजफुल है जेनेटिक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है कि इकोलाई एंड एग्रो बैक्टीरियम आर वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम से ही पता चल रहा है, अपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते क्या हैं यही आपको पूछा है। सिंथेसाइज डीएनए, क्या है डीएनए सिंथेसाइज करेंगे, नहीं, क्योंकि हमारे पास सिंथेसाइज करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज रिस्ट्रिक्स द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, ऐसा भी नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की सिंथेसिस को ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। कट द डीएनए मॉलिक्यूल रैंडमली, अब ऐसा भी नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जहां भी मन होगा वहीं कट कर देगा। जब हम लोग पढ़ रहे थे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो वहां पे देख ले पर्टिकुलर साइट पे कट करेगा, और वो पर्टिकुलर साइट हमको याद रखनी है। डिफरेंट डिफरेंट एंडोन्यूक्लियस के लिए हम लोग क्या किए, एक पूरा प्रॉपर चार्ट बना के तैयार किया हूँ मैं, वो आपको इस लेक्चर के लिंक में प्रोवाइड की गई है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, उस चार्ट को याद रखिएगा, पूछ सकता है। अभी हम उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है एम्स में, तो वहाँ पर भी देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर, कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट, क्योंकि ये क्या करता है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक साइट होती हैं, और वो क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक्स सीक्वेंसेस होते हैं, ओके।
और उसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट, वहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, कट करेगा। तो कट द डीएनए मॉलिक्यूलर एट स्पेसिफिक साइट, तो ये होगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इन टू क्रॉप प्लांट। अब कौन सा जो है क्रॉप प्लांट, या आपको नॉर्मली याद रखना है क्रॉप प्लांट, तो जब मैं इसको डिस्कस कर रहा था तो वहां पर बताया था क्रॉप प्लांट के लिए या प्लांट के लिए जो हमारे पास जरूरी है वो कौन सा बैक्टीरियम होता है, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। भूलना नहीं है आपको, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, उसके द्वारा ही क्या किया जाता है, प्लांट में अगर हमको कोई जीन ट्रांसफर करना है तो हम ट्रांसफर करते हैं। इसी तरीके से हम लोग ई कोलाई या बैक्टीरियम में देखते हैं कि प्लाज्मिड होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं, वहां पे अगर हमको जीन को इंसर्ट कराना हो तो बैक्टीरियोफेज प्लाज्मिड का यूज करते हैं। ईस्ट में कराना हो तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम देखते हैं, प्लांट में कराना है तो टीआई प्लाज्मिड आरआई प्लाज्मिड देखते हैं, एनिमल में कराना है तो रेट्रोवायरस का यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको ये चीज़ भूलनी नहीं है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आ सकते हैं, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि टी आई प्लाज्मिड क्यों बोलते हैं। ओके, क्योंकि वो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, जब जिस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उसमें ट्यूमर इंड्यूस कर देगा, ट्यूमर फॉर्मेशन होने लगेगा, और ये एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से हम लोग क्या करते हैं उसमें इंसर्ट करा के तब ये प्लांट को इस बैक्ट ऐसे इन्फेक्ट कराते हैं, और वो हम लोग जब प्लांट में इंसर्ट कर जाता है तो ट्यूमर कॉज करता है। तो आप लोगों को कॉमन जो याद रखना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इन टू प्लांट, क्रॉप प्लांट कुछ भी दे सकता है, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ओके, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन टू हायर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, हायर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे आपको दिया है हायर ऑर्गेनिज्म, प्लांट नहीं दिया है, एनिमल नहीं दिया है, क्या देखिए यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड कोई एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस दिया है, नहीं दिया है ना, मतलब अब ये समझ जाना है आपको कि हायर ऑर्गेनिज्म एनिमल में हम किससे ट्रांसफर कराते हैं। तो एनिमल में आपको मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बताया, रेट्रोवायरस, या हम जब पढ़ रहे थे लेक्चर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे बोला था, सारे का अलग चार्ट प्रिपेयर किया गया है, आप लोग सभी को याद कर सकते हैं कि कौन से होस्ट में कौन सा जो है वेक्टर यूज होता है। तो ये एक चार्ट प्रॉपर तैयार किया गया है, आपको लेक्चर में मिल जाएगा, आप लोग देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइएगा बायो अकेडमी की साइट पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट खुलेगा बायो टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, वहाँ से आप लोग देखिएगा लेक्चर को। ओके, फिर यहाँ पे देखिए क्या है, रेट्रोवायरस। तो ये हमें जो इसका आंसर होगा क्या होगा, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होता है, हायर एनिमल में जीन ट्रांसफर के लिए एक कह सकते हैं बेस्ट हमारे पास वेक्टर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, रेट्रोवायरस होगा। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इन डीएनए कैन बी इजिली कट एट अबाउट द मिडल बाय सम पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब यहाँ पे अब आपको सिक्वेंस दे दिया है, ओके, और ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सिक्वेंस, ये एक है, ये दूसरा है डीएनए का स्ट्रैंड मान लीजिए, ये तीसरा है और ये चार है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है ना, तो एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड, तीन स्ट्रैंड, चार स्ट्रैंड दिया गया है, एक दो एक दो एक दो तीन, तो मतलब हमारे पास ये कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं, इनमें से आपको ये देखना है किस को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ पे कट करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इन द डीएनए कैन बी इजिली कट एट अबाउट मिडल बाई सम पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो पहले आपको इसमें देखना है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है कौन सा, ये है क्या CACGTA, ये देखिए, अब इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस स्टैंड पे रीड करिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस स्टैंड पे रीड करिए, तो देखिए क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है, नहीं है, क्यों, क्योंकि जब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वही होंगे जिनको हम लोग एक स्टैंड पे जिस भी ओरिएंटेशन में पढ़ें, चाहे 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ें, चाहे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ें, सेकेंड स्टैंड पे भी उसका कंप्लीमेंट्री स्टैंड पे भी है, कंप्लीमेंट्री स्टैंड पे उसी ओरिएंटेशन में पढ़ने पे सेम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस मिलने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं CACGTA 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में उसके कंप्लीमेंट्री स्टैंड को पढ़िए TGA, यही वेरिएशन आ गया, तो ये नहीं है, दूसरे को पढ़िए CGTTCG 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, क्या उसका कंप्लीमेंट्री यही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, नहीं है, पढ़िए देखिए ATGGTA नहीं है, नेक्स्ट देखिए GATATG यहाँ पे पढ़िए ATCATC नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ये तीनों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं GAATTC 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, इधर से पढ़िए
इसके कंप्लीमेंट्री स्टैंड को अगर हम लोग 5' to 3' डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो देखिए सी ए ए टी टी जी ए ए टी टी सी। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। अब 3' to 5' भी पढ़ लीजिए सी टी टी ए ए जी। अब 3' to 5' सेकेंड में भी पढ़िए सी टी टी ए ए जी। तो मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वही होते हैं जो कि दोनों स्टैंड पे सेम ओरिएंटेशन में रीड करने पर सेम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होंगे। ओके, अब क्या करेगा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको रिकग्नाइज करेगा और यहाँ पे कट करेगा। ओके, यहाँ पे जो कट होता है इनके ए और जी के बीच में होता है। तो आप लोगों को ये भूलना नहीं है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ही रिकग्नाइज करेंगे कौन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में भी बता दिया, आप लोग लेक्चर से भी देख सकते हैं और डिटेल में दिया गया वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए एंड आरएनए सेगमेंट्स टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। अब ऐसा डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल सेगमेंट जो कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से लेबल्ड हो, टैग हो, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं प्रॉब। जब हम लोग देख रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग रेडियो एक्टिव प्रॉब जो है यूज किए थे। तो आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हम लोग रेडियो लेबल्ड डीएनए आरएनए के सेगमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रॉब बोलते हैं, आपको याद रखना है। ओके, क्लोन नहीं होता, वेक्टर नहीं होता, प्लाज्मिड नहीं होता, ये क्या है, प्रॉब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगरोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड यूज इन। तो एगरोज क्या होता था, जब हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते थे तो वहाँ पे देखते थे कि जो जेल मैट्रिक्स बनाई जाती है उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं तो किसका बनाते हैं, एगरोज यूज करते हैं। वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड जीन ट्रांसफर इन प्लांट। कौन सा मेथड जीन ट्रांसफर के लिए यूज नहीं होता, बायोलिस्टिक जीन गन मेथड हम लोग पढ़े थे, बायोलिस्टिक मेथड इसको बोलते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन, क्या माइक्रो प्रोपेगेशन में जीन ट्रांसफर होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द कॉपी ऑफ स्टॉक प्लांट। ओके, मल्टीप्लाई द स्टॉक प्लांट मतलब जो भी आपके पास स्टॉक प्लांट होगा वो मल्टीप्लाई करेगा, उसके कई प्रोजिनी बन जाएंगे, प्रोजिनी बन जाए। मान लीजिए एक प्लांट है तो इसका कुछ पार्ट हम लोग लेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होगा, इसी के कई प्रोजिनी बन जाएंगे, तो ये है माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या ये जीन ट्रांसफर की टेक्निक है, नहीं, ये जीन ट्रांसफर की टेक्निक नहीं है, इससे प्रोजिनी बढ़ते हैं, इसमें जीन ट्रांसफर नहीं होता। तो बायोलिस्टिक हो गया, माइक्रो प्रोपेगेशन नहीं होता। माइक्रो इंजेक्शन, इसके थ्रू भी हम लोग इंजेक्ट करा सकते हैं, एग्रोबैक्टीरियम को कल्चर, मतलब अगर कोई प्लांट है और एग्रोबैक्टीरियम के साथ हम कल्चरिंग करा रहे हैं, को कल्चर का मतलब उसके साथ। ओके, तो उसके साथ जब करा रहे हैं तो ध्यान ये देना है कि ये बैक्टीरियम में अगर हमारे पास डिजायर्ड कोई सेगमेंट है, हम इस बैक्टीरियम में प्लाज्मिड के थ्रू इंसर्ट कराए हैं, तो ये टीआई प्लाज्मिड जो होगा वो जो भी प्लांट होगा उसको इन्फेक्ट करेगा और वो जीन ट्रांसफर कर देगा प्लांट में, तो ये भी एक मेथड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सा मेथड नहीं है, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड, तो माइक्रो प्रोपेगेशन जो है नॉट यूज्ड मतलब यूज नहीं होता, और तीनों होते हैं कौन कौन से, बायोलिस्टिक, माइक्रो इंजेक्शन एंड एग्रोबैक्टीरियम को कल्चर। ओके, नेक्स्ट है स्टर टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइंड फॉर, स्टर टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर। तो जो हम लोग बायो रिएक्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखे थे, वहाँ पे क्या था, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था हमारे पास, और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में हम लोग देखे थे कि हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से वो लगा होता है, स्टर टैंक होता है। इसका काम क्या होता था, इसका काम होता था कि इवन मिक्सिंग कराए, किसकी, ऑक्सीजन की, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, जब प्रोसेस हो रही होगी, फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रही होगी तो उसमें ऑक्सीजन पूरे उसमें क्या कहते हैं मीडियम में इवनली मिक्सड हो, उसके लिए हम लोग स्टर टैंक यूज करते हैं। तो आप ऑप्शन देखिए, इंश्योरिंग एनएरोबिक कंडीशन इन द कल्चर वेसल, इंश्योरिंग एनएरोबिक कंडीशन, तो इंश्योरिंग नहीं, यहाँ पे इंश्योर करने के लिए इसका यूज नहीं करते। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे पास अलग टेक्निक है, हम लोग वहाँ पे देखे हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में, सेंट्रीफ्यूगेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, डिफरेंट डिफरेंट प्योरिफिकेशन टेक्निक है हमारे पास। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट, प्रिजर्वेटिव भी नहीं करते, ये सब सारी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के पार्ट हैं। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, इसके लिए जो है स्टर टैंक यूज किया जाता है। ये स्टरर होते हैं, घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो मीडियम है उसमें इवन मिक्सिंग हो जाएगी और पूरे प्रोसेस जब तक फर्मेंटेशन चल रहा होगा तब तक हमारे पास वहाँ पे ऑक्सीजन रहेगी। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है द फिगर बिलो शो थ्री स्टेप ए बी सी, ए बी सी कौन सी स्टेप है, एक ये स्टेप है ए और ये वाली बी है
और ये वाली सी है। डायरेक्ट एनसीईआरटी के डायग्राम का क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम है उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेबलिंग आपको एकदम तैयार होना चाहिए, कोई भी डायग्राम आपको छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी का। आप देखिए यहाँ पे एम्स का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे दिया है कि द फिगर बिलो शो थ्री स्टेप्स ए बी सी ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, सेलेक्ट द ऑप्शन गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टुगेदर विद व्हाट इज रिप्रेजेंट, ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़े हैं तो ए क्या रिप्रेजेंट करता है, डीनेचुरेशन को, ओके कितने टेम्परेचर पे, 94 डिग्री टेम्परेचर पे, अप टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ओके बी क्या करता है, एनलिंग में मतलब यहाँ पे प्राइमर ऐड होते हैं थ्री प्राइम एंड की तरफ, तो टेम्पलेट के थ्री प्राइम एंड की तरफ क्या होगा, दोनों में देखिएगा एनलिंग में प्राइमर ऐड होगा। फिर ये क्या है, एक्सटेंशन, सी वाला क्या है, एक्सटेंशन मतलब अब ये जो हमारे पास मेन पॉलीमराइजेशन होगा डीएनए की, ये चेन एक्सटेंड होगी, ओके तो पहला कौन सा है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है डीनेचुरेशन को अप टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड, बी जो है एनलिंग, प्राइमर यहाँ पे ऐड होते हैं, दो प्राइमर ऐड होते हैं आपको याद रखना है, एक फॉरवर्ड प्राइमर एक बैकवर्ड प्राइमर, सी जो है वो क्या है एक्सटेंशन, यहाँ पे डीएनए की जो चेन होगी वो क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, और किसके कंप्लीमेंट्री होगी, जो हमारे पास टेम्पलेट है। अब देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है सी क्या है, एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, तो ये सही है, सी क्या है, सी में क्या होता है, एक्सटेंशन होता है विद द हेल्प ऑफ हीट स्टेबल, अगर यहाँ पे आपको दे दे टैक डीएनए पॉलीमरेज हीट स्टेबल ना दे तब आप भी आपको आंसर ये क्या होगा, सही होगा, क्यों, अगर आपको नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज दे रहा है तब आपका आंसर गलत हो जाएगा। मान लीजिए यहीं पे दे देता एक ऑप्शन में सी, यहाँ पे दे देता सी, एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ओनली, और एक में देता टैग डीएनए, मान लो दूसरा ऑप्शन दे देता कि सी एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज, तो आंसर कौन सा सही होता, टैग डीएनए पॉलीमरेज वाला, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं पीसीआर में जो पॉलीमरेज यूज करते हैं वो टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि थर्मोस्टेबल होता है, अप टू यहाँ पे टेम्परेचर कितना चला जाता है, अप टू एक्सटेंशन में 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थर्मोस्टेबल या हीट स्टेबल जो है डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं। ए और ऑप्शन भी देख लीजिए, ए में क्या है, एनलिंग विद टू सेट्स ऑफ प्राइमर, तो ए में एनलिंग नहीं होती, डीनेचुरेशन होता है। बी क्या है, ये थर्ड ऑप्शन में पढ़िए, देखिए क्या है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है डीनेचुरेशन एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 98, तो बी में पहले तो डीनेचुरेशन नहीं होता, बी में एनलिंग होती है, ओके ए में क्या दिया है, डीनेचुरेशन, हाँ तो डीनेचुरेशन तो होता है, बट यहाँ पे टेम्परेचर देखिए कितना दे दिया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होता, यहाँ पे 94 डिग्री सेंटीग्रेड दे देता, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे आप कर पा रहे हैं। नेक्स्ट भी डायग्राम्स है, यहाँ पे दिया है द फिगर बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलाई वेक्टर PBR 322। अब PBR का किसके लिए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारा चीज़ बताया गया है, डिटेल में सारी चीज़ बताई गई है। विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज इट्स सर्टेन कंपोनेंट्स, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया होगा और आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो अब इसमें दिया है हिंड थर्ड एंड इको R1 सेलेक्टेबल मार्कर, तो आप ये बताइए जब PBR 322 हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पे देखे थे कि दो ही सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, कौन कौन से, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन, तो यहाँ पे क्या ये सेलेक्टेबल मार्कर है, नहीं, दे आर एंडोन्यूक्लियस, ये क्या है, HIND-1, HIND-2, HIND-3, ECO-R1, ECO-R5, ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं। सेकेंड ऑप्शन देखिए, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन, टेट आर का मतलब होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो यस ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है और ये हमारे पास मार्कर की तरह काम करती हैं, ओके सेलेक्टेबल मार्कर में यूज होते हैं। अब सेलेक्टेबल मार्कर स्क्रीनेबल मार्कर दो होते हैं, ये सारा चीज़ डिटेल में डिस्कस किया गया, आप लोग पढ़िएगा, लेक्चर में दिया गया है सब। फिर दिया है ऑप्शन में ओरी ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ओरी का मतलब क्या है, ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन, नहीं ओरी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ओके इसी तरीके से रोप दिया है रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्या कहते हैं हमारे पास प्राइमर जो होगा वो होता है रोप, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आंसर आपका क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट जो है रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, मतलब MPR एंड टेट आर क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो आंसर आपका क्या होगा सेकेंड सही होगा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है फाइंड आउट करेक्ट रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, अब यहाँ पे आपको कुछ एंडोन्यूक्लियस दी हुई हैं, अब वो एंडोन्यूक्लियस के लिए जो हमारे पास पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस होंगे वो क्या होंगे, उनका ऑर्डर आपको याद रखना है, एक चार्ट बना करके मैंने डाला हूँ लेक्चर में, तो आप वहाँ से देखिएगा,
वहाँ पे हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के आपको जो प्रॉब्लम हैं कि आएंगे कि एग्ज़ाम में, वो आपको दिए गए हैं। यहाँ पे जैसे बाम एच वन इको आर वन का दिया है, वहाँ पे कई दिए हैं, कई सारे दिए हैं, तो आपको एक चार्ट बना करके डाल दिया गया है लेक्चर में, तो आप लोग देखिएगा उसको। ओके, आप लोग बायोअकेडमी पे जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्ले बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस खोलेंगे तो उसमें सब लेक्चर अलग अलग तैयार किए गए हैं, तो देखिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है बाम एच वन की किसको रिकॉग्नाइज करेगा, जी जी ए टी सी सी। ओके, तो ये देखिए पैलिन, क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ये 5' है, तो 5' है तो ये क्या हो जाएगा, 3', और इसका कम्प्लीमेंट्री इधर 5' और ये 3' हो जाएगा। आप इसको देखिए जी जी ए टी सी सी 5' to 3' रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कम्प्लीमेंट्री स्टैंड है उस पर देखिए क्या है, जी जी ए टी सी सी, हाँ पैलिंड्रोमिक तो है, और बाम एच वन जो है जो रिकॉग्निशन साइट होती है यही होती है जी जी ए टी सी सी, इसको चेंज नहीं कर सकते। हर एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का अपना रिकॉग्निशन साइट होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसको जो आप दिया है उसको आपको याद रखना है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो बाम एच वन के लिए जो होता है जी जी ए टी सी सी ही होता है। इको आर वन के लिए देखिए क्या है, इको आर वन के लिए होता है जी ए ए टी टी सी, तो यहाँ पे देखिए क्या यही है। अगर इसको हम लोग 5' मान लें, इसको 3' मान लें, तो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी इधर क्या हो जाएगा, 5' और ये 3', तो रीड करिए जी ए ए टी टी सी, कम्प्लीमेंट्री रीड करिए ए जी ए ए टी टी सी, हाँ पैलिंड्रोमिक तो है। और इको आर वन जो है उसके लिए जो रिकॉग्निशन साइट होती है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया है कि उसके लिए जो रिकॉग्निशन साइट होती है कौन होती है, जी ए ए टी टी सी, क्या होती है, याद रखिए इसको। एक जो है चार्ट जो है बना के डाल दिया गया है वीडियो लेक्चर में, आप लोग उसको देखिएगा। और भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड हैं तो वहाँ पे सारा बना के डाला गया है चार्ट के फॉर्म में, तो आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे और जो ऑप्शन होंगे आप देखिएगा, तो पहले तो या तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस नहीं होंगे और उनके लिए रिकॉग्निशन साइट भी नहीं होती, तो बाम एच वन के लिए जो रिकॉग्निशन साइट है आपको याद ही होनी चाहिए जी जी ए टी सी सी, और इसी तरीके से इको आर वन के लिए क्या होती है जी ए ए टी टी सी। तो ये आंसर होगा इसका फर्स्ट। तो इस तरीके से आप लोग लेक्चर को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि न्यू वीडियो में अपडेट डेली डाल रहा हूँ, तो उसकी अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।